हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से ट्रेडिंग व्यू ऐप को मैकबुक में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ट्रेडिंग व्यू ऐप को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, आपने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आपने यहाँ से TradingView.com इसकी वेबसाइट आएगी, आपने यहां से इसे ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरह से आएगी। जो TradingView के यूज़र हैं उन्हें पता है कि यहां पर वेबसाइट को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसकी ऐप को मैकबुक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि TradingView वेबसाइट के आपने सबसे नीचे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाता हूँ तो वहाँ पर आपको डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप का एक बटन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप ऐप का एक बटन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने TradingView डेस्कटॉप जो एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फॉर macos का बटन दिया गया है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐप के जो ऐप का जो इंटरफेस है, किस तरह से ऐप नज़र आएगी वो यहाँ पर आपको नीचे कुछ दिया गया है, इसके पिक्चर वगैरह। तो आप यहां से क्लिक करके इसे डाउन करेंगे। 155 MB की फ़ाइल है जो आपने अपने मैकबुक में डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट यहां पर डबल क्लिक करना है इसको इंस्टॉल के लिए। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये DMG फाइल है वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से TradingView ऐप है, आपने इसे एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी करना है। आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इसकी जो फ़ाइल होगी वो आपके एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। और इसके बाद ये जो ऐप है ये आपके लॉन्च पैड में भी चली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TradingView की ऐप है वो एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। कॉपी होने के बाद आपने यहाँ से इस विंडो को क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने लॉन्च पैड में जाना है और यहाँ से TradingView ऐप को ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टाइम इसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपने यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो TradingView ऐप है वो आपके मैकबुक में ओपन हो जाएगी। तो हम इसके कुछ बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। जो इसके रेगुलर यूज़र हैं उन्हें जिसके सेटिंग का पता है, आप यहाँ पर कैंडलस्टिक की सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। जितनी भी कैंडल्स हैं उनकी अपीयरेंस, स्केल, स्टेटस लाइन वगैरह आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं मार्केट को। इसके बाद अगर आप इसकी थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री लेंथ पर जाने के बाद आप कलर थीम पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसकी जो और डार्क थीम है उसे इनेबल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुकी है। टैब की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अलर्ट्स वगैरह मार्केट के आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को शो कर सकते हैं। जितनी भी सर्विस वगैरह हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आप अगर यहाँ पर मार्केट देखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो जितनी भी मार्केट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। मेरे ख्याल में ये वेबसाइट से ऐप में TradingView को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप दोबारा सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाकर भी सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहतर है कि TradingView अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से TradingView ऐप को अपने मैकबुक में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।